तस्वीर में दिख रही ये जगह धनीपुर हवाई पट्टी है, जहां पर एक चार्टर्ड विमान क्रैश हो गया। 11,000 वोल्ट के बिजली की तार में उलझकर विमान हादसे का शिकार हो गया। क्रैश होने के बाद विमान धू धू करके जलने लगा। विमान में सवार 6 लोगों ने कूद अपनी जान बचाई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। दिल्ली से ये प्लेन आ रहा था एयर चार्टर का, और यहाँ इलेक्ट्रिकल वायर जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल वायर से टकराया है और फिर फिसलता हुआ साइड में चला गया, जिससे उसे आग लग गई। जितने भी पैसेंजर थे वो निकल गए उसके, और आग को फायर सर्विस को जो कॉल मिली, फौरन फायर सर्विस आई और उसने आग को तुरंत कंट्रोल कर लिया। आके दिल्ली से एक फ्लाइट जो ये 10 सीटर थी ये आ रही थी, वहाँ से यहाँ लोग बता रहे हैं कि मेंटेनेंस के लिए आ रही थी। इसमें करीब 6 लोग थे, तो जब इन्होंने लैंड करना शुरू किया है तो लैंड करने के दौरान इनके साथ ये एक्सीडेंट हुआ है। देखा यह गया है कि एक हाई टेंशन लाइन है उसमें शायद ये फंस गया, उसके तार उसमें फंस गई, और इसके कारण से ये साइड से घसीटते हुए और आकर करके रनवे के साइड में आकर के पड़ी है। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, 6 लोग इसके अंदर बताए गए, सभी लोग सुरक्षित हैं। दमकल विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हादसे के वक्त निजी एविएशन कंपनी का विमान मेंटेनेंस के लिए अलीगढ़ आया था। विमान में 4 इंजीनियरों के साथ 2 पायलट भी सवार थे। R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट।